नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ परम समाज सेवी हैं आरएस गौतम साहब, जो बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर बोलते हैं और बहुजनों की कोई भी बात होती है तो वहां पर उपस्थित रहते हैं। गौतम साहब, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। मैं वैसे एट प्रेजेंट तो हूँ डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध महासभा का अध्यक्ष हूँ जी, और इससे पहले मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जनरल सेक्रेटरी कैशर और अध्यक्ष भी रह चुका हूँ जी। मेरा कार्य है बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए काम करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों में सत्यता के ज्ञान प्राप्त हो सके और भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल सके जी। गौतम साहब, आप बुद्ध के बातों को जन जन तक पहुँचाते हैं। आज पूरा देश बुद्धमय होता जा रहा है। भारत में कम प्रचलित है, लेकिन विदेशों में सबसे ज़्यादा बुद्ध को माना जाता है। भारत के अंदर भी बहुत अच्छी पकड़ बनती जा रही है बुद्ध की, और आज हर एक कोई अपने आप को बुद्ध में बनना चाहता है, बुद्ध बनना चाहता है, बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहता है। तो बुद्ध के रास्ते पे या बुद्ध में बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताएं। देखिए, बुद्ध बनने से पहले सबसे पहले एक जिस समय सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे उस समय एक शास्त्र व्याख्या था, नीति शास्त्र। वो शास्त्र के अंदर नीति शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र और इसके बाद महापुरुषों के 32 लक्षण के संबंध में उस पर होता था, विस्तार से होता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो साहित्य है वो खत्म हो चुका है। लेकिन भगवान बुद्ध के जो 32 लक्षण, जैसे ही भगवान बुद्ध पैदा हुए, सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए, उस समय सारे संसार में ये उद्घोष हुआ कि बुद्ध पैदा हो गए हैं। इसी बात को देखते हुए एक ब्राह्मण, जो बावरी नामक ब्राह्मण था, उसने भगवान बुद्ध की सत्यता को जांचने के लिए जो उनके शिष्य 16 शिष्य थे और शिष्य से इन 32 महापुरुषों, नक्षत्रों आदि में निपुण थे, वो भगवान बुद्ध के पास गए और जाकर के उनके 32 लक्षण के बारे में पूछा। उन्होंने 32 लक्षण देखे, 32 लक्षणों के साथ इनका जो 32 लक्षण है हमारे जो शास्त्र हैं, इसमें दीर्घ निकाय के शास्त्र के अंदर इसमें 32 लक्षण हैं और ये आपका विनय पिटक, उसके अंदर भी भगवान बुद्ध के जो 32 लक्षण हैं वो इसमें दिए हुए हैं। उन 32 लक्षणों को देखने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध से बहुत से विकट क्वेश्चन किए और उन क्वेश्चनों का उन्होंने भगवान बुद्ध ने उनको उत्तर दिया। वो संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद फिर वापस आए और इस वजह से उन्होंने माना कि ये भगवान बुद्ध 32 लक्षणों से संबंध है, 32 लक्षण के अंदर मौजूद है जी। लेकिन जो आज की डेट में बुद्ध बनना चाहता है, बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बुद्ध बनने के लिए तो बहुत सारी वो चीज़ होती हैं। एक तो पारमिताएँ होती हैं, 10 पारमिताओं को पार करना, बुद्ध बनने के पहले 10 पारमिताओं को पार करना होता है। और पारमिता के साथ साथ में बुद्ध बनने के लिए उन्होंने कई जन्मों तक कई उसमें काम करना पड़ता है, अपने मोह माया इनको सबको त्याग करना पड़ता है और दूसरों की सेवा में तत्पर होना पड़ता है। बोधिसत्व या के लिए तो 6 पारमिताएँ होती है, वैसे पारमिता 30 का हमारे साहित्य में वर्णन मिलता है, लेकिन जो मुख्य है वो 10 ही पारमिताएँ हैं। 10 पारमिताओं में बोधिसत्व बनने के लिए 6 पारमिता को होना जरूरी है और बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिताएँ होनी जरूरी हैं। जब तक 10 पारमिताओं को पूर्ण करेगा बुद्ध नहीं बन सकता। आप थे हमारे साथ आरएस गौतम साहब, जो बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं, बुद्ध की बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं और बहुत सारी कैटेगराइज क्लासेस भी लेते हैं बुद्ध के ऊपर। तो बुद्ध के रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन बुद्ध के पथ पे चलेंगे तो जीवन में सभी चीज़ें आपको अपने आप मिलती चली जाएंगी। गौतम साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे चैनल से बात करें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपका और आपके जैसे मीडियाओं का बहुत ही सम्मान होगा, बहुत ही उसका इनका फैलाने के लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आपके वगैरह मीडिया के वगैरह, मीडिया दो तरह का, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया। प्रिंट मीडिया इतनी बात हमारी करता नहीं है और इलेक्ट्रिक मीडिया हमारी बातों को चारों तरफ फैला सकता है। तो इलेक्ट्रिक मीडिया से मेरा निवेदन है सभी से कि बौद्ध धर्म जो एक समता पर आधारित है, एक स्वतंत्रता पर आधारित है, इस धर्म को फैलाने के लिए आप सबका आपको धन्यवाद देते हैं और इसमें हम पूरा सहयोग चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।